स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। आज देखिए आप लोगों के साथ एक कटिंग की वीडियो शेयर कर रही हूँ। देखिए मैंने बनाया है बड़ा स्टोरेज बैग, तो इसमें आप दो तीन ब्लैंकेट, बेडशीट वगैरह कुछ भी रख सकते हो। और अगर आपके घर में कुछ ज़्यादा कपड़े हैं तो उन कपड़ों को भी आसानी से आप ढेर सारे कपड़े इसके अंदर रख सकते हो। तो देखिए पूरी वीडियो, अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देख सकते हैं आप, पुरानी सॉल का यूज करके मैंने ये स्टोरेज बैग बनाए हैं और काफ़ी अच्छा बैग बन के रेडी हुआ है, क्योंकि इसके अंदर हम आराम से दो तीन ब्लैंकेट और दो तीन बेडशीट आराम से रख सकते हैं। और अगर जैसे आप कपड़े रखने के लिए इसका यूज करना चाहो तब भी आप कर सकते हैं। देखिए यह है सॉल, इसका किस तरीके से हम यूज करते हैं वो देखिए। काफ़ी सुंदर ऑर्गेनाइजर बैग हम इसका तैयार करेंगे। तो इसके लिए इसको आप ओपन कर लीजिए इस तरीके से। ओपन करने के बाद हम इसको इस तरीके से डबल करेंगे। देखिए मैंने इसको कर लिया है डबल, तो ये देख सकते हैं। पहले मैं डबल करके इसको कट कर लेती हूँ, फिर इसकी लेंथ बताती हूँ कितनी रखी है। आप देखिए डबल में मैंने कपड़ा रख दिया है। अब इसकी डबल में लेंथ बताती हूँ, मैंने डबल में कितनी इसकी लेंथ रखी है, कितनी इसकी विड्थ रखी है। देखिए इस तरीके से हम इसकी लेंथ, देखिए ये बंद साइड मैंने अपनी तरफ रखा है, ये ओपन साइड देखिए सामने की तरफ रखा है। देख सकते हैं आप, ओपन साइड सामने की तरफ रख के हम इस तरीके से इधर से गोलाई भी दे देंगे। इस तरीके से गोलाई, देखिए गोलाई कट, पहले मैं आपको लेंथ बता देती हूँ फिर गोलाई कट करूंगी। तो देखिए डबल रखा है, सामने की तरफ ओपन है। जब भी आप कपड़े को रखें इस तरीके से सामने की तरफ ओपन रखें, तो इसकी टोटल लेंथ है 25 इंच, 25 इंच है डबल में। और इसकी जो विड्थ है, विड्थ रखी है मैंने 29 इंच, ये देखिए, ये देख सकते हैं आप रखी है। और अब इसको देखिए आप गोलाई की शेप दे दीजिए दोनों साइडों से, गोलाई की शेप देके हम इसको कट कर लेंगे। मैंने कट कर लिया है दोनों साइडों से। कट करने के बाद हमने एक कपड़ा कट करना होता है तो दिखाती हूँ, क्योंकि इस तरीके से पहले आप इस तरीके से देखिए, ये हमारा सेंटर पॉइंट है, दोनों जगहों के सेंटर पर आप इस तरीके से मार्क कर लीजिए। देखिए आपके पास कोई चौक है उससे आप इस तरीके से निशान लगा लीजिए दोनों सेंटरों में। तो किस तरीके से सेंटर से फिर हम यहाँ से सेंटर से कपड़ा अटैच करेंगे चारों तरफ। तो कपड़े की लेंथ बताती हूँ, विड्थ बताती हूँ। देखिए दोनों साइड के सेंटर में मैंने निशान लगा लिया है। अब मैंने एक ये कपड़ा कट किया है, तो इस कपड़े को कितनी इसकी लेंथ रखी है वो बताती हूँ आपको और कितनी इसकी विड्थ रखी है। देखिए इस कपड़े को भी डबल कर लेते हैं और डबल करके बताती हूँ आप, क्योंकि ये कपड़ा अटैच करना होता है हमने इधर साइड में। देखिए इस तरीके से साइड में अटैच करना होता है इसके। तो देखिए इसकी जो मैंने, देखिए इस कपड़े, देखिए इसकी 13 इंच मैंने इस तरीके से लेंथ रखी है और इसकी विड्थ रखी है मैंने बावरा कपड़ा। ये देखिए इस कपड़े की जो लेंथ रखी है 13 इंच और जो इसकी विड्थ रखी है वो 30 इंच यानी कि 60, क्योंकि ये मैं डबल में बता रही हूँ आपको। ये देखिए हम इस तरीके से डबल कर लेंगे और डबल करने के बाद इसके सेंटर पर हम निशान लगा देंगे। ये देखिए ये इसका सेंटर पॉइंट है और इधर भी हम इसके सेंटर पर निशान लगा लेंगे। ये जो कपड़ा है इसके एक तो हमने यहाँ पर देखिए निशान लगा दिया है इस तरीके से डबल करके, ये सेंटर पर निशान लगा लिया दोनों साइडों से। ये देखिए इस तरीके से आप साइडों पर निशान लगा लीजिए और पहले अटैच कर लेंगे हम इसमें जीप। तो देखिए इस तरीके से जीप अटैच करना है। तो देखिए एक कोने से हम इसमें पहले जीप अटैच कर लेंगे। देखिए ये है मेरे पास जीप। तो देखिए रनर को इसमें बाद में ऐड करेंगे, अभी इसको हम इस तरीके से अटैच करके दिखाती हूँ। ये देखिए पूरे में इसको अटैच कर लेंगे, तो इसमें सिल के दिखाती हूँ। देखिए ये कपड़ा है, इसमें हम इस तरीके से जीप अटैच कर लेंगे। देखिए जीप को इस तरीके से हम बैक रखेंगे, बैक रखते हुए अटैच कर लेंगे।
देखिए सरल तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, और आप एक बार भी अगर वीडियो देखते हैं तो आराम से बना सकते हैं। वीडियो देख के लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ये देखिए इस तरीके से पूरी जिप अटैच कर दी है। अब देखिए इसमें हम रनर भी ऐड कर देंगे। देखिए इस तरीके से मैंने इसमें रनर भी ऐड कर दिया है, और ये देखिए एक साइड से हमने जिप अटैच कर दी है। अब देखिए अब है हमारा ये कपड़ा। ये देखिए इस कपड़े में हमने किस तरीके से इस कपड़े को अटैच करना है आप वो देखिए। पहले आप इस तरीके से इसको डबल करेंगे, डबल करने के बाद हाफ में हम निशान लगा देंगे। हाफ में निशान लगाने के बाद देखिए इस तरीके से बैक करके हाफ में निशान लगा लीजिए, और इसमें भी हमने यहाँ हाफ में निशान लगाया था। तो देखिए इसको एकदम तरीके से यहाँ पर सिल लेंगे। यहाँ पर सिल के दिखाती हूँ, और इसी तरीके से दूसरे साइड भी हम ये देखिए यहाँ पर एकदम सेंटर पे, यानी कि हाफ ये देखिए कपड़े का एकदम सेंटर है। तो इस तरीके से इसके भी सेंटर को इसके सेंटर से मिलाते हुए यहाँ पर भी हम एक सीधी लाइन दे देंगे दोनों साइड। तो सिल के दिखाती हूँ जैसे ये देखिए मैंने इधर साइड भी ये कपड़ा अटैच कर लिया है, ये देखिए, और इस कोने में भी इसको अटैच कर लिया है। देख सकते हैं आप दोनों कोने में हमने अच्छे से अटैच कर लेना है। अब देखिए पहले हम ये नीचे वाले कपड़े को सिलेंगे, फिर ऊपर वाले कपड़े को सिलेंगे। तो देखिए ये नीचे वाले इस पट्टी को उठाइए, और जो नीचे का ये कपड़ा है इस तरीके से मिलाते हुए इसमें सिलाई रखेंगे। अब देखिए सुंदर सा हमारा बॉक्स बन के रेडी हो जाएगा है ये। इस तरीके से मिलाते हुए पूरी सिलाई रख देंगे। ये देखिए इस तरीके से मिलाते हुए पूरी सिलाई रखनी है। तो रख के दिखाती हूँ। ये देखिए पहले देखिए नीचे वाली पट्टी के साथ मैं कपड़ा अटैच कर रही हूँ, फिर ऊपर जीप वाले के साथ अटैच करूंगी। देखिए आसान तरीके से बता रही हूँ मैं आपको। इसी तरीके से आप बड़े से बड़े स्टोरेज बैग तैयार कर सकते हैं, क्योंकि घर में देखिए जो भी पुराने कपड़े जैसे शॉल होते हैं, बड़े बड़े शॉल होते हैं, बड़े बड़े दुपट्टा होते हैं, तो उनका हम आराम से यूज कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप मैंने ये देखिए पूरा कपड़ा नीचे से अटैच कर दिया है ये। अब रहे ऊपर वाले कपड़े की बारी। अब ये देखिए इस तरीके से देखिए जिप के साथ, ये देखिए ये जिप का ये पार्ट है, इसके साथ इस कपड़े को देखिए आप नीचे ना डबल सिलाई रख लीजिए जिससे कि हमारा खुले ना। मैंने नीचे डबल सिलाई रख दी है। अगर आप इसमें कोई कपड़ा अटैच करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। किस तरीके से करना है वो बता देती हूँ, क्योंकि ये मेरा काफ़ी मोटा कपड़ा है तो मुझे उतनी ज़रूरत नहीं है इसमें कपड़ा अटैच करने की। अगर आपके पास आप किसी पतले कपड़े का बना रहे हैं तो देखिए इस तरीके से आप मतलब लेंथ वाइज ले सकते हैं कपड़ा, और साइडों से देखिए हमारे तागे वागे ना दिखे इसके लिए आप इस तरीके से मतलब कपड़ा अटैच करते हुए आप सिलाई रख सकते हैं। तो मेरा मोटा कपड़ा है तो क्योंकि इसमें तागा निकलने का है नहीं ज़्यादा, और मैंने दो दो बार सिलाई रख दी जिससे काफ़ी मजबूत हो गया है। अब देखिए अब ये जिप के साथ ही ऊपर वाले कपड़े को इस तरीके से अटैच करते हुए चलेंगे हम, और सिलाई रखते हुए चारों तरफ सिलाई रख देंगे ये इस तरीके से। देखिए ये जिप है और एक कपड़ा है, जिप के साथ कपड़े को अटैच करते हुए चलेंगे हम। देखिए इस तरीके से हम जिप के साथ कपड़े को अटैच कर लेंगे, और काफ़ी सुंदर और काफ़ी बड़ा स्टोरेज बैग बन के रेडी हो जाता है। इस तरीके से ये बड़ा स्टोरेज बैग बना के मैंने रेडी कर लिया है। इसको ओपन करके दिखा बिना यूज के होते हैं, ढेर सारे कपड़े रख सकते हो और कोई भी सामान आसानी से रख सकते हो। ये देखिए इस तरीके से काफ़ी बड़ा स्टोरेज बैग बन के रेडी हो गया है, और इस तरीके से इसकी जिप को आप ये देखिए इस तरीके से हम जीप लगा लेंगे। देखिए अब आपको अपर स्टिच रख के दिखाती हूँ जिस तरीके से नीचे रखा मैंने इस तरीके से। देखिए पहले आप इस तरीके से हम इसके ऊपर एक सिलाई रख देंगे जिससे कि सिलाई काफ़ी मजबूत हो जाती है और खुलती भी नहीं। तो इसके ऊपर सिलाई लगा के देखिए पूरा इसके ऊपर हम देखिए कपड़े के ऊपर सिलाई रखते हुए पूरी सिलाई लगा लेंगे, और उसके बाद इसमें हम देखिए फीते भी अटैच करेंगे पकड़ने के लिए। तो फीते मैंने कहाँ पर लगाने हैं वो बताती हूँ। देखिए फीता मैं इसके इस सेंटर पर लगाऊंगी। देखिए निशान लगा देती हूँ। देखिए ये है हमारा बैग इस तरीके से, देखिए इस तरीके यहाँ है हमारा सेंटर। तो यहाँ लगाऊंगी मैं इधर से इधर एक ही फीता लगाऊंगी इधर से इधर। तो ये मेरे पास कपड़ा, देखिए इस कपड़े को इस तरीके से डबल करके हम सिलाई रख देंगे, और सिलाई रख के उसमें लगा के फिर दिखाते हैं।
यहाँ पर मैंने इस तरीके से पकड़ने के लिए हैंडल लगा दिया है, क्योंकि हम इस तरीके से इसमें अगर कंबल रखते हैं तो उस तरीके से पकड़ने के लिए यूज हो जाएगा। और ये देखिए काफी बड़ा ऑर्गेनाइजर बैग तैयार, ये बन के तैयार हो गया स्टोरेज बैग। अब इसके अंदर देखिए हम किस तरीके से एक ब्लैंकेट रखते हैं, ये देखिए इस तरीके से इसमें हम आराम से हमारा ब्लैंकेट आ जाएगा। और अगर हम बड़ा वाला ब्लैंकेट रखना चाहें वो भी आ जाएगा, ये सिंगल वाला है, सिंगल और डबल आप दोनों रख सकते हैं क्योंकि काफी बड़ा साइज है। इस तरीके से हम अपनी जिप को लगा लेंगे, ये देखिए पूरा ब्लैंकेट इसमें हमारा आराम से आ गया है। अगर हम इसमें टू ब्लैंकेट रखना चाहे तो वो भी आराम से आ सकते हैं। एक ब्लैंकेट प्लस एक बेडशीट, वूलन बेडशीट इस स्टोरेज बैग के अंदर हमने रख दिया है, ये देखिए। वीडियो देखिए प्लीज, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अब मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ।